ये लोग भीख मांग रहे थे और भीख से मिली आजादी की कदर इस कंगना रनौत जी को नहीं है। एक से एक लगातार फ्लॉप फिल्म करने के बावजूद राजनीति में अपना करियर चमकाने के लिए कंगना जी आ गई हैं। आराम की जिंदगी जीने के बाद एक धूप में निकलने से कैसे बचते हुए दिखाई देती है हेमा मालिनी, जो सेवा करने के लिए आ रही है वो कार्यकर्ताओं से ही सेवा करवा रही, कह रही है इसका सीट पीछे करो तो इसका सीट पीछे, खुद से सीट को भी पीछे नहीं कर सकती है। न उनको परिसीमन का पता है, न अपने लोकसभा का पता है, सवाल क्यों नहीं करते हैं, डिबेट में भाग क्यों नहीं लेते हैं, तो उनका एक ही जवाब था खामोश। कि जनता जब किसी मुद्दे को लेकर, सवालों को लेकर उनके घर पर जाती थी तो एक ही जवाब मिलता था खामोश। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देखना शुरू कर चुके हैं डी पीपल वॉइस। आज हम आपके बीच में चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि देश में लगातार राजनीति अपने निचले स्तर पर धीरे धीरे जा रही है और आप देख रहे हैं कि इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं सेलिब्रिटियों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, उनको उस सीट से उतार दिया जा रहा है जहां उन्होंने न कभी काम किया था, उल्टा वहां पर विरोध ही है या उसके प्रति नकारात्मक भाव है और इसलिए कई बार तो कैंडिडेट अपना नाम भी वापस ले रहे हैं टिकट मिलने के बावजूद। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इस देश के जाने माने कलाकार पवन सिंह जी के, जिनको आसनसोल का टिकट दिया गया था और उन्होंने टिकट लेकर और फिर पार्टी को वापस कर दिया और चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कारण था कि कभी किसी गाने में उन्होंने बंगाल के महिलाओं के बारे में नकारात्मक छवि को प्रस्तुत करने का काम किया था। तो इस बार के टिकट में चूंकि वो सेलिब्रिटी है, लोकप्रिय है, लोग उनको जानते हैं, भले ही राजनीति में उन्होंने कुछ घंटा नहीं किया हो लेकिन फिर भी उनको मौका मिल जा रहा है, ये एक बड़ी बात है। इसी तरीके से जिस सीट से वो चुनाव लड़ने जा रहे थे वहीं से एक कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए उतर रहे हैं, पिछली बार भी वो सांसद चुने गए थे, नाम है शत्रुघ्न सिन्हा और उनका एक डायलॉग आप बराबर सुनते होंगे, वह डायलॉग होता है कि खामोश। और ये खामोशी उनकी सिर्फ लोग के लिए ही नहीं, खुद के लिए होती है जब उन्हें संसद में, जब वही जनता जो चुनाव जीत कर भेजती है पूरे अपने टर्म में, पूरे उनके संसद के सेवा काल में एक भी सवाल नहीं पूछते और खामोश बने रहते हैं। संसद के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी ने उनसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करके सवाल किया कि आप संसद में कुछ बोलते क्यों नहीं है, आप सवाल क्यों नहीं करते हैं, डिबेट में भाग क्यों नहीं लेते हैं, तो उनका एक ही जवाब था खामोश। इससे पहले पटना में भी वे लगातार खामोश रहे थे, यहाँ की जनता जब किसी मुद्दे को लेकर, सवालों को लेकर उनके घर पर जाती थी तो एक ही जवाब मिलता था खामोश। लेकिन उनकी इस लोकप्रियता और फिल्मों पर काम करने के कारण उनको फिर से टिकट मिला है और इस बार की जनता पता नहीं क्यों उनको शायद चुनाव जिता कर भेजा दे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट है पहले ही सरेंडर कर चुके हैं और चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, अब वहां से किसका सीट मिलता है ये देखने वाली बात होगी। दूसरा बड़ा मामला है कि मंडी से इस बार कंगना रनौत जी को चुनाव में उतारा गया है जो बीजेपी से कैंडिडेट होगी। उनको मंडी के किसी परिसीमन की बात नहीं मालूम है, कि उन्हें यह भी नहीं पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वे कहती हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को भीख में मिली थी आजादी, उस समय असली आजादी नहीं मिली थी, देश तो आजाद 2014 में हुआ था। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो देखा आपने कैसे वो बता रही है कि 2014 में हमें असली आजादी मिली है, यानी कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह बेकार था, सुभाष चंद्र बोस का जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा वो बेकार था, भगत सिंह जो फांसी पर झूले वो बेकार था, झांसी की रानी आजादी की लड़ाई लड़ी वो बेकार थी, ये सब लोग आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रही थी, ये लोग भीख मांग रही थी और भीख से मिली आजादी की कदर इस कंगना रनौत जी को नहीं है। और वो जो आजादी के बाद जो संविधान बना था और उस संविधान के तहत जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव में उसी आजादी के बाद वाले लोगों ने संविधान बनाया था, लोकतांत्रिक देश बनाया था, उस पर ये चुनाव तो लड़ने जा रही है लेकिन ये इसे सच्ची आजादी नहीं मानती है, इसे ये सच्चा लोकतंत्र नहीं मानती है। ये सच्चा लोकतंत्र तभी मानेगी जब इनकी मन की करने की इनको दे दी जाएगी और एक से एक लगातार फ्लॉप फिल्में करने के बावजूद राजनीति में अपना करियर चमकाने के लिए कंगना जी
आ गई हैं। अब देखना होगा कि मंडी के लोग जो वहां के स्थानीय नेता रहे होंगे, जो समय उस समय उनकी आवाज उठाते रहे होंगे, उनके सुख दुख में खड़े रहते रहे होंगे, उनको छोड़कर जब कंगना रनौत जी को टिकट दिया गया तो उनको चुनाव में जिताएंगे, और कितना एक आम व्यक्ति को कंगना रनौत जी से मिलने का और अपनी समस्याओं को कहने का मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तीसरा मामला है कि मथुरा से 2014 से लगातार बीजेपी की सांसद रही है, उससे पहले भी 2004 से लेकर 9 तक बीजेपी की सांसद रही हेमा मालिनी जी, और हेमा मालिनी जी फिर से मथुरा में चुनाव लड़ने के लिए आ चुकी है। उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है इस बार के चुनाव में, उस वायरल वीडियो से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि कितनी संवेदनशील ऐसो आराम की जिंदगी जीने के बाद एक धूप में निकलने से कैसे बचते हुए दिखाई देती है हेमा मालिनी। वीडियो 10 साल पुराना है लेकिन आप देखिएगा जरूर कि कैसे हेलीकॉप्टर से उतर के कार्यकर्ताओं के बीच में आई, कार्यकर्ता हाथ जोड़ के खड़े हैं कि मैडम जी आइए आइए स्वागत है, वो हेलीकॉप्टर से उतर के ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में आई जैसे वो कार्यकर्ताओं के ऊपर एहसान कर रही है। ओ भाई साहब, बड़ी गाड़ी है, उसमें बड़ी गाड़ी फोर्ट चुना के देखा आपने कि कैसे वो बोल रही है कि छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी में मैं नहीं बैठूंगी, और छोटे कार्यकर्ता छोटे लोग और छोटी गाड़ियां ये हम लोग के लिए नहीं बनी है, लेके आओ बड़ी गाड़ी। और फिर देखिए कि कैसे बड़ी गाड़ी आती है, और बड़ी गाड़ी आती है तो वो सीट पर बैठती है तो अनकंफर्टेबल महसूस करती है, जो सेवा करने के लिए आ रही है वो कार्यकर्ताओं से ही सेवा करवा रही, कह रही है इसका सीट पीछे करो तो इसका सीट पीछे, खुद से सीट को भी पीछे नहीं कर सकती है। वो आदमी हमारे और आपके सर पर बैठेगा और कहेगा कि मैं इस देश की सेवा कर रही हूं, मैं आपकी सेवक हूं, और कार्यकर्ता जाके सीट को पीछे करता है। फिर वो सवाल पूछती है कितने दूर का सफर है, कहां मुझे जाना है, ना उनको परिसीमन का पता है, ना अपने लोकसभा का पता है, और ना किधर उनको जाना है, वहां से वो चुनाव लड़ने जा रही है, और फिर कहती है कि नो रोड शो। अगर आपने सड़कों पर निकाला तो गर्मी का समय है, मेरे शरीर के स्किन डार्क पड़ जाएंगे, मैं रोड शो नहीं करूंगी। और वो पूछती है कि अगर रोड शो करेंगे तो मैं लौट के चली आऊंगी, मैं तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं करूंगी, सीधे मुझे ले चलो और स्टेज पर ले चलो, वहां से मैं भाषण दूंगी और चले आऊंगी, रोड पर तुम लोग सरो, रोड पर तुम लोग गलो, जनता की गालियां तुम लोग सुनो, मुझे तो चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतकर संसद पहुंचना है। और इस तरीके से वो बोलती है, उनका वीडियो वायरल हो जाता है। तो देखा आपने किस तरह से सेलिब्रिटी इस देश की जनता पर चुनाव लड़कर एहसान करते हैं, और उनके एहसान का बदला चुकाने का एक ही मौका है आपके पास कि इन सेलिब्रिटीज को ना कहें, क्योंकि ये तो संसद में सोते रहते हैं, कोई सवाल नहीं पूछते, जो एमपीलैड्स का फंड आता है उसका ये उपयोग नहीं करते। हेमा मालिनी जी के एमपीलैड्स फंड्स का रिकॉर्ड हमने देखा तो 2014 से लेकर 19 तक में 25 करोड़ उनको मिले थे, सिर्फ 15 करोड़ रुपए उन्होंने मथुरा के विकास पर खर्च किए, और बाकी के 10 करोड़ रुपया, जी हां आप सही सुन रहे हैं, 10 करोड़ रुपया वापस फिर से सरकार के पास चले गए। कहीं ना कहीं वो मथुरा के लोकसभा क्षेत्र के लोगों की हकमारी थी जो हेमा मालिनी जी ने किया। 2019 से लेकर 24 तक का डाटा अभी नहीं आया है क्योंकि उनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, वो जैसे ही पूरा होगा उसकी भी खबर हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहे डीपी प्रूफ वॉइस के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद, बने रहे डीपी प्रूफ वॉइस के साथ।